बसमीम नहमदूआन सल्ल रसोल करीम एवाल इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान वन प्लस एक्स क्यूब डी एक्स सबसे पहले इस इंटीगल को हम आई के कुल मान लेंगे इसमें वन अपान वन प्लस एक्स क्यूब का हमको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में सबसे पहले तो यो डिनोमिनेटर है जो कि क्यूबिक पोलिनियल है इसके फैक्टर कर लेंगे और इसको हम इसमें जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी यहाँ पर लग सकती है क्योंकि हम एक ब्रैकेट में इसको ऐड करेंगे दूसरा दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे इसका रीज़न ये है क्योंकि वन को हम लिख सकते हैं वन का क्यूब और एक्स का क्यूब तो है तो दोनों क्वान्टिटी का क्यूब है बीच में प्लस का साइन है इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो आई की वैल्यू हमारी आ जाएगी एक ब्रैकेट में तो वन प्लस एक्स और दूसरे में आएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वन का स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स और प्लस एक्स का स्क्वायर जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स को हम पहले लिख दें वन को बाद में लिख दें ऐसे ही हम एक्स स्क्वायर को पहले लिख दें फिर एक्स इंटू वन एक्स हो जाएगा और वन का स्क्वायर प्लस का वन गया ये इस तरीके से लिख दें और ये जो दो हमें फैक्टर मिले हैं तो इस एक्स जो एक्सप्रेशन है यानी ये एक फ्रैक्शन है एक, एक भिन्न है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदल देंगे मान लेते हैं कि इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये हो जाएंगे वन अपान प्लस वन क्योंकि ये अभी स्टैंडर्ड फार्म में नहीं है कि हम इनका इंटीग्रेशन कर सकें तो इसको स्टैंडर्ड इस फार्म बदलने के लिए इसको छोटे छोटे फ्रैक्शन में भिन्न में बदल देंगे तो ए अपान ये लीनियर है एक पावर का है तो उसमें कॉन्स्टेंट होगा ऊपर अगर ये दो पावर का है क्वाड्रेटिक है तो उसको मानने का तरीका ये ए के बाद बी ले, ले लेते हैं कांस्टेंट और एक्स इंटू करेंगे क्योंकि ये दो पावर का क्वाड्रेटिक है प्लस का सी अब बान में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमने पार्शियल फ्रैक्शन इसके ये मान लिए और इसको जो कि आई के कुल चल रहा है इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर वन डाल दे रहे हैं जब हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करें तो इसके लिए इनको ही इसका ही यूज़ करेंगे इसको एल्सीम ले लें तो एक्स प्लस वन और क्योंकि ये फैक्टर अलग अलग हैं कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है तो इनका इंटू ही इनका एल्सीम हो जाएगा इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये कैंसिल इसका ए में इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन क्रॉस में इंटू हो जाएगा इसका इन इंटू हो जाएगा यानी बी एक्स प्लस का सी और एक्स प्लस वन और ये लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है वन अपन एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन तो वन जो है पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा तो वन की वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो गया तो न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर के इक्वल आ जाएगा वन इजिकल टू ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और प्लस बी एक्स प्लस का सी और ये एक्स प्लस का वन तो हमारा ये जो पीछे था आपने उसको यहाँ पर नोट कर लिया अब यहाँ से हम ए और बी की जो वैल्यू है और सी की वैल्यू इन तीनों वैल्यू को फाइंड करेंगे और जब ये फाइंड हो जाएंगे तो इक्वेशन नंबर वन में हम जाके इनको पुट कर देंगे तो ए बी की सी की वैल्यू कैसे निकालें लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉली मान वाले और राइट हैंड साइड में भी तो ए का अंदर इंटू करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर आप डायरेक्ट भी कोफिशिएंट को कलेक्ट कर सकते हो हम बहुत डिटेल में इसको कर रहे हैं इनका आपस में इंटू करेंगे बी का दोनों में तो बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी का इन दोनों में इंटू होगा सी एक्स प्लस का सी तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का को जो कोफिशिएंट है यहाँ पर ए मिलेगा बिना ब्रैकेट का इंटू करके आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं जैसे एक्स स्क् कॉपी सेन ए और जब इसका इंटू यहाँ होगा तो एक्सर एक्स स्क् काफिस बी मिल जाएगा तो यहाँ पर हम तो, तो, तो देख तो ही रहे हैं ए और बी ए प्लस बी एक्स स्क् कॉफिसेंट है ऐसे ही अगर एक्स कॉपी सेंट निकालना हो तो ये ए का जब इसमें इंटू होगा माइनस ए मिलेगा क्योंकि हमें यहाँ नजर ही आ रहा है और जब इसका इंटू वन में करेंगे तब मिलेगा प्लस का भी दे तो लेकिन यहाँ तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं और सी का इंटू तो एक्स में मिलेगा तब मिलेगा सी तो आप बिना इंटू करते हुए भी डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं किसी को प्रॉब्लम ना इसलिए हमने इसको यहाँ से कस डिटेल में कर दिया और एक का इंटू यहाँ कर वन में करेंगे तो ए कॉन्सटेंट हो गया जो हम यहाँ से भी देख सकते हैं इंटू करने के बाद और एक्स सिर्फ कॉन्सटेंट और सी जिसमें एक्स नहीं है वो यहाँ पर भी है और जब दो पढ़ल आपस में इक्वल होते हैं तो उनमें जो एक्स स्क्वायेर एक्स का जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स और एक्स की एक्स स्क्वायेर एक्स क्यू के जो काफिसेंट होते हैं जो भी टर्म यहाँ पर मौजूद हो उनके काबिसटेंट आपस में इक्वल होते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का कॉपीसेंट राइट हैंड साइड में ए प्लस बी है और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वेयर का टर्म नहीं है उसका मतलब इसका कॉपिसेंट जीरो रहा होगा तभी ये जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो हो गया तो इसलिए इसको जीरो के बराबर मान लेंगे इक्वेशन नंबर वन हो चुका हमारा इसको टू मान लें और एक्स का काबिसेंट यहाँ पर तो है नहीं ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर है माइनस ए प्लस बी प्लस सी इधर है जीरो इक्वेशन नंबर थ्री और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो उसमें ए प्लस का सी है यहाँ पर कांस्टेंट वन है तो ये चार इक्वेशन तीन इक्वेशन हमारे पास टू से लेके कर फोर तक तो तीन अननोन है तो ए बी सी तो इसलिए उनको सॉल्व करके हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ये ए सी में इक्वेशन है ऐसे ही ए सी में इक्वेशन हम और बना सकते हैं अगर इन दोनों में से हम बी को एलिमिनेट कर दें ए सी बचा रहे बी कट जाए तो अगर देख रहे हैं कि अगर हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो टू में से थ्री को तो बी कट जाएगा बी एलिमिनेट हो जाएगा तो टू माइनस इक्वेशन थ्री यहाँ पर कर रहे हैं तो सबसे पहले टू इक्वेशन को लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर टू को फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर थ्री को माइनस ए प्लस बी प्लस का सी और राइट हैंड साइड में जीरो इसे इक्वेशन नंबर थ्री डाल देंगे जब माइनस करेंगे इसको तो साइन चेंज हो जाएंगे ये प्लस माइनस जो होगा कैंसिल हो जाएगा ये टू टाइम्स c हो जाएगा और माइनस का सी राइट हैंड साइड में ये ज़ीरो के बराबर हो गया है। ये इसे इक्वेशन नंबर हम नेक्स्ट फाइव डाल सकते हैं और फोर इसके साथ में अगर सॉल्व करें ऐसे कि दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देते हैं तो देखेंगे सी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और थ्री टाइम्स ए हो जाएंगे और जीरो वन ऐड होकर वन हो जाएगा इससे हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं थ्री से डिवाइड करेंगे तो वन बाई थ्री आ जाएगा ए की वैल्यू अब हमें सी की वैल्यू आराम से और बी की वैल्यू भी मिल जाएगी यहाँ से इक्वेशन नंबर टू से तो इक्वेशन नंबर टू में जब हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो वन अपान थ्री प्लस ए की वैल्यू रख दी प्लस बी बराबर जीरो था तो बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं इसको ट्रांसपोज करते यानी माइनस का वन अपान थ्री करके जब बी की वैल्यू निकल आई हम इक्वेशन नंबर फोर का यूज़ करके और सी ए की वैल्यू पुट करके हम सी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं यानी इक्वेशन नंबर फोर में हम पुट कर दें ए की वैल्यू जो कि वन पॉन्ट थ्री थी प्लस का सी इज़िकल टू वन तो इस वन बाई थ्री को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वन माइनस का हो जाएगा वन बाई थ्री और वन वन करते हुए इनका एलसीएम जब थ्री लेंगे तो थ्री का इधर इंटू हो जाएगा और वन का इधर इंटू हो जाएगा तो थ्री में से बन जाएगा टू हो जाएगा टू पॉन्ट थ्री आ जाएगा सी की वैल्यू तो C की वैल्यू हमको मिलेगी टू अपान थ्री तो ये ए बी सी की वैल्यू जो हमको मिल गई है इसको आप इक्वेशन नंबर वन पीछे देख लीजिएगा वहाँ पर इसको हमें रखना होगा वहाँ पर था वन अपान एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और ए A, A की वैल्यू वन अपान थ्री या पान में एक्स प्लस वन और प्लस बी बी की वैल्यू माइनस का वन बाई थ्री एक्स है यानी बी की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री है वहाँ था बी एक्स प्लस सी सी की वैल्यू अपनी निकली है टू बाई थ्री और अपान में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन इस तरीके से इक्वेशन नंबर वन में रख के हमने पार्शियल फेसन इसके फाइंड कर लिए अब इस वैल्यू को हम जो आई है उसमें वैल्यू को पुट कर देंगे तो आई बिल्कुल चल रहा था अपना ये तो इसे हटा के इसकी वैल्यू जो भी फाइन की उसे लिख दें यानी उसमें इंटीग्रेशन का साइन है और ये वैल्यू है तो इसे अटाके इसके यहाँ ये रखेंगे तो यहाँ पर वन बाई थ्री कॉन्सटेंट नीचे ले लें इस थ्री का इंटू इस एक्स प्लस वन के साथ में हो जाएगा प्लस यहाँ पर हम माइनस वन बाई थ्री इन दोनों टर्म्स में से अगर बाहर ले लें तो ये प्लस वाला साइन माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर एक्स बचेगा और ये साइन जो कि इसमें से माइनस कॉमन ले रहे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और टू बचेगा क्योंकि थ्री तो हमने यहाँ से बाहर ले लिए हैं और अब बाद में ये इन्हीं टर्म को हम लिख रहे हैं इसको लिख चुके थे अब इसको लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन ब्रैकेट क्लोज कर दें डी एक्स ये इसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक थी टोटल वो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखी हुई है कुछ चीज़ें कॉमन ले वाली थी वो हमने कॉमन कर ली इसको नीचे भी लिख सकते हैं और हम इंटीग्रेशन को साइन को दोनों पर अप्लाई कर देंगे तो उसमें वन बाई थ्री कॉन्टेंट ऐसे बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन एक वन अपन एक्स प्लस वन का एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन के हमने लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ किया है ऐसे ही माइनस वन बाई थ्री कॉन्सटेंट बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन होगा हमारा एक्स माइनस टू अपन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का तो इस पहले वाले टर्म का तो इंटीग्रेशन आप उस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि हम लोग वन अपन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं कि लॉग एक्स होता है तो आप इसको इसके साथ में अगर वन ऐड भी हो रहा हो कोई कॉन्स्टेंट ऐड हो रहा हो तो या सब्सट हो रहा हो तो उसको भी वन वन एक्स समझते हुए इंटीग्रेशन कर दें बस इतना ध्यान रखें कॉन्स्टेंट ऐड हो रहा हो सब्ज्रेक्ट हो रहा हो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है आप उसे एक्स समझ के लग देंगे पावर बस वन होना चाहिए एक्स की लेकिन कॉफिस जो भी हो यानी यहाँ पर वन है तो वन से डिवाइड करने कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके अलावा कोई भी उससे आप डिवाइड कर देंगे आपका इंटीग्रेशन इसका कम्प्लीट हो जाएगा अब यहाँ पर बात आ रही है कि इसमें एक पावर है ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दो पावर हो जब ऐसा हो कि एक पावर हो वन पावर हो तो टू पावर हो तो आप यहाँ पर इसे सॉल्व करने का जो मेथड है वो इस तरीके से अगर इसके फैक्टर भी नहीं हो रहे इसके फैक्टर होंगे भी नहीं क्योंकि ऑफिसेंट वन वन होते हैं तो फैक्टर नहीं होते कभी भी तो ऐसे में आपको इस ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा यानी ये जो न्यूमरेटर है हम लोग मान लेते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो यहाँ पर कोई कॉन्सटेंट टाइम्स कॉन्स्टेंट को आप Uh, अगर कैपिटल ए बी सी ले सको हो तो आप इस्मान ले लो अगर कन्फ्यूज़न हो या आप कैपिटल दोबारा से भी ले सकते हो लेकिन उन कैपिटल ए बी सी और इन, इन कैपिटल जो हम मान रहे हैं अभी उनसे कोई कनेक्शन नहीं है आप कैपिटल ए बी ले सकते हो हम इस्मान ए फिलहाल ले, ले लेते हैं जिनकी वैल्यू हमें निकाल के अभी पुट करना होगी तो यहाँ पर लिखते हैं नोमिनेटर को इस तरीके से कि कॉन्सटेंट और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसीशन एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस दूसरा एक कॉन्सटेंट और ए बी की वैल्यू जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो उसको अगले स्टेप में लिखेंगे यानी इसको डिफ्रेंसीेशन करने के बाद जब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीेशन करेंगे तो टू एक्स होता है और एक्स का वन होता है कॉन्सटेंट का जीरो होता है तो उसे लिखेंगे नहीं प्लस बी यहाँ पर हमें ए बी की वैल्यू रखना पड़ेगी एक्स माइनस टू को हटा के ये वैल्यू पुट कर देंगे इस न्यूमरेटर की यहाँ पर आई की जो वैल्यू अभी लास्ट में आई उसमें तो हमारा आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा ए बी की वैल्यू जब आ जाएगी तब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन आप पर पाँच तक तो हो चुकी है सिक्स डाल में और ए बी और की वैल्यू निकालने के लिए हम आगे बढ़ेंगे यहीं से इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे अंदर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको मिलेगा टू ए एक्स माइनस का ए और प्लस का बी तो है ये पहले से और इधर एक्स माइनस टू दो पॉलिनेमल जब इक्वल होते हैं तो उनके काफी इक्वल होते हैं यहाँ पर एक्स का कॉफी सेंट टू है यहाँ नहीं लिखा तो वन होगा और यहाँ पर कॉन्सटेंट टर्म माइनस ए प्लस बी है यहाँ पर कॉन्सटेंट टर्म माइनस का टू है ए की वैल्यू वाले आराम से यहाँ निकल रही है टू का इन टू हो रहा है तो जाएगा राइट हैंड साइड में तो डिवाइड हो जाएगा ए की वैल्यू निकल आएगी जिसको यहाँ पर पुट करेंगे ए की वैल्यू वन बाई टू और यहाँ से हम बी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसपोज करेंगे वन बाई टू तो प्लस का हो जाएगा अपान में बन करते हुए वन और टू का एल्ज इम टू का टू का एल इन हो जाएगा माइनस का फोर प्लस का वन और इन दोनों का डिफरेंस माइनस का थ्री आप डायरेक्ट भी बी की वैल्यू को थ्री बाई माइनस थ्री बाई टू लिख सकते हैं आपका कैलकुलेशन सही है ए और बी की वैल्यू ये हमको मिल गई है इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सिक्स में पहले पुट करके देख लेते हैं इक्वेशन नंबर सिक्स से हमारी जो न्यूमरेटर आया है एक्स माइनस टू जो जो हमारा वाई था उसका न्यूमरेटर वो ये वैल्यू हो जाएगी यानी ए की वैल्यू वन बाई टू है ए की वैल्यू है वन बाई टू और ब्रेकिट में टू एक्स माइनस वन फिर अब बी बी की वैल्यू कितनी है अभी आई थी माइनस का थ्री बाई टू आई इसे आप सॉल्व नहीं कर लें अगर इसको सॉल्व कर लिया तो यही मिल जाएगा एक्स माइनस टू इतनी आना भी चाहिए लेकिन हम इसकी वैल्यू को हटा के क्योंकि ये भी एक्स माइनस टू ही है तो इस वैल्यू को हटा के हम आई में जो लास्ट में आई था हमारा वहाँ पर पुट कर देंगे उसको हमने कोई इक्वेशन नहीं डाला क्योंकि ये इंटीग्रेशन हम इक्वेशन क्या करेंगे डाल के वन वन थ्री और लास्ट में जो आई है उसमें वैल्यू पुट कर दें वन बाई टू लॉग एक्स प्लस वन माइनस का है वन बाई थ्री उसके बाद तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन था अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर है एक्स माइनस टू इसे इसकी जगह पर अभी जो वैल्यू निकाली वो पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर एज इट लिख दीजिए तो न्यूमरेटर क्या लिखना है हमें इंटीग्रेशन ये लिखना है वन बाई टू टू एक्स माइनस वन माइनस थ्री बाई टू तो यहाँ पर दो टर्म हो गए ये और ये माइनस के बाद वाला टर्म डिनोमिनेटर में वही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है जो कि एक क्वाड्रेटिक है तो वन बाई थ्री लॉग ऑफ एक्स प्लस वन ये तो सॉल्व हो गया ऐसे तो मैं कोई मतलब नहीं ज़्यादा यहाँ पर आप सेपरेट कर लीजिए इसको दो पार्ट में बांट दें अलग अलग कर लें पहले तो ये पान ये और बान ये पान ये यानी वन बाई टू तो साइड से कर दें टू एक्स माइनस वन ये पान में ये डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और फिर माइनस का ये अपान में ये टोटल वैल्यू माइनस का थ्री बाई टू अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लें तो वन बाई थ्री लॉग ऑफ हो एक्स प्लस वन माइनस वन बाई थ्री अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के साइन को वन बाई थ्री तो हम बाहर रखते हैं ये ब्रेकेट ले लगा हुआ इंटीगेशन के साइन को अंदर ले जाते हैं और डी को इधर ले आते हैं तो वन बाई टू कांस्टेंट है इसको यहाँ पर हम बाहर लिख देंगे न्यूमरेटर में टू एक्स माइनस वन और डी इस तरफ से आ जाएगा अपान में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन और ये माइनस का थ्री बाई टू कॉन्सटेंट बाहर वन का इंटू मान लें और इंटीगेशन वन अपान x square minus x plus one, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन डी इसमें अगर हम इसको कुछ मान लेते हैं टी मान लेते हैं तो ऊपर डी आ जाएगा तो इसका इंटीगेशन तो आसानी से हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को हम कुछ मान लें टी मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन टू एक्स एक्स का आ, और डी एक्स आएगा और फिर एक्स का डिफरेंस डी एक्स आएगा तो जब डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर टू एक्स माइनस वन आ जाएगा कौन सा कर तो जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन टी का डी टी हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू जो है हमारे पास है यहाँ पर जिसे हम डी टी रख देंगे तेरफोर आई की जो वैल्यू है मिल जाएगी वन वन थ्री लॉक ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन वन थ्री यहाँ पर वन बाई टू चल रहा था और टू तो इसकी जगह पर हमने रख दिया डी टी और उसको टी माना था हमने वो पुट कर दें माइनस का थ्री बाई टू और यहाँ पर अगर उसके फैक्टर ना हो रहे हों तो फिर उसको होल अप स्क्वायर बना दे फैक्टर जो कि नहीं होंगे क्योंकि इस कॉपी सेंट वन 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 है तो ऐसे क्या इसमें तीन में है तीन टर्म है यहाँ पर और इसको होल ऑफ स्क्वायर बना देते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है यानी यहाँ पर हम उमर खयाम के मैथड से होल ऑफ स्क्वायर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफी है वो वन बना लेते हैं तो यहाँ पर तो बनाने की जरूरत नहीं पहले से बने अगली स्टेप ये होती है कि x का जो कॉफी है जो कि इन्हें लिखा है वन है यहाँ पर तो उतना है उसका हाफ़ कर दें साइन ना देखें प्लस माइनस वन मान लें और एब्सोल्यूट वैल्यू देख लें वन और उसका इस उसका हाफ करते हैं उसका स्क्वायर को हम ऐड करें ऐड करा है तो सब्सट्रैक भी करेंगे लेकिन उससे पहले हम इस वन को लिख लेते हैं तो वन को लिख लेते हैं प्लस और जो ये वैल्यू हमने ऐड करी तो सब्सट्रैक भी करें और ये है कितनी वन का स्क्वायर करेंगे वन हो जाएगा और टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा तो इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है ब्रैकेट ओपन हुआ था तो ये यहाँ पर क्लोज भी हो गया है ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे ये वैल्यू चल रही है इसे दो तो नोट कर ले वन बाई थ्री लॉक ऑफ हो एक्स प्लस वन इसमें तो कोई चेंज नहीं किया और यहाँ पर हम माइनस वन बाई थ्री वन बाई टू हम लोग जानते हैं वन अपन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है तो लॉग टी इंटीग्रेशन हो गया माइनस का ये थ्री बाई टू वेबल लिख दिया और ये शुरू के जो तीन टर्म है ये होल आप स्क्वायर बना देंगे ये एक्स का स्क्वायर है ये वन बाई टू का स्क्वायर ये दोनों के इंटू का अटवाइस तो बीच बिटवीन साइन चूँकि माइनस है तो हम एक्स और माइनस वन बाई टू का होल आप स्क्वायर हो जाएगा और वन में से जब वन बाई फोर को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू प्लस के थ्री बाई फोर हो जाएगी जो हम लोग करना जानते हैं वन में से वन में एल सी मिलेंगे वन और फोर का फोर का इधर इंटू हो जाएगा वन का इधर इंटू हो जाएगा तो फोर माइनस वन थ्री बाई फोर हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन करना है ब्रैकेट क्लोज़ कर दें वन बाई थ्री लॉक ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन बाई थ्री और ये चल रहा है वन बाई टू लॉक और ठीक है जो वैल्यू है यानी एक्स स्क्वायेर माइनस एक्स प्लस वन वो लिख दिया माइनस का थ्री बाई टू और ये हमारा देख रहे हैं स्टैंडर्ड फार्म बन रही है यानी वो चीज़ बन रही है जिसका हमें फार्मूला पता होता है बस ये एक्स होता है वहाँ पर उसके साथ में कोई कॉन्सटेंट अगर ऐड भी हो रहा हो या सब्ज्रैक्ट हो रहा हो तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है तो ये एक्स माइंड में समझें एक्स स्क्वायर है और ये इसका भी स्क्वायर बना लें यानी रूट थ्री अपान टू का इसको होल अप स्क्वायर कंसीडर कर लें मीन्स ये इस तरीके से है इसका फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहे जो ये फार्मूला यूज़ होगा बना पान ये इस तरीके से पड़ा होगा कॉन्सटेंट पहले होगा हो, हो वेरिएबल बाद में तो होता है बना पान ए और टेन इनवर्स बस एक्स अपन ए इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ होगा तो इसी तरीके बना लें कॉन्सटेंट को पहले लिख दें और वेरिएबल को बाद में तो ये फर्स्ट टाइम जो चल रहा था उसको तो एज इट नोट कर लें यानी वन अपन थ्री लॉग ऑफ हो एक्स ये तो ऐसे ही चला रहा इस ब्रेकेट को भी खोल देते हैं तब तक तो वन बाई थ्री का जब इसमें टू वन बाई टू में इंटू होगा तो वन बाई सिक्स हो जाएगा लॉग ऑफ हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वन बाई थ्री का इंटू ये थ्री बाई टू में हो जाएगा और इस इंटीग्रेशन तो हाई और इस इस टर्म में हम ये भी इस स्टेप में हम ये भी करें कॉन्सटेंट को पहले लिख लेते हैं ताकि हमारा फार्मूला ये ऐसा लगने लगे रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाई टू का होला स्क्वायर जो अभी हमने फार्मूला दिखाया था उसको यहाँ पर अब अप्लाई कर देंगे देख रहे हैं यहाँ पर थ्री से थ्री ये कैंसिल होते हुए नज़र आ रहे हैं वन बाई टू बचेगा तो वन बाई थ्री इस टर्म को ऐसे नोट ले कर लेंगे वन बाई थ्री लॉक ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन बाई सिक्स लॉक ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन प्लस वन बाई टू और ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो क्या होता है वन अपान ए ए की जगह पर हमारा रूट स्क्वायर रूट थ्री अपान में टू है और फिर होता है टेन इनवर्स एक्स अपान ए तो एक्स यहाँ पर यह हमारा एक्स माइनस वन बाई टू है ए का मतलब रूट थ्री बाई टू है फार्मूले का ए तो ये वैल्यू जो है देख लीजिए दोबारा से फार्मूले क्या होता है बन अपाने टेन इन बस एक्स अपानी है तो एक्स यहाँ पर ये है एक्स माइनस वन बाई टू और एक यहाँ रूट थ्री बाई टू इंटीग्रेशन कम्प्लीट तो कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लेंगे थोड़ा बहुत और सॉल्व कर लेते हैं उसको टू ऊपर नीचे की कैंसिल भी हो जाएगा चाहे तो आप डबल अपान में टू ऊपर ले जाए या फिर फिर कैंसिल कर दें ये टू से टू यानी कैंसिल हो गया वन बाई रूट थ्री बचेगा बाकी इसको एल सीम लेके लिख दें या इतना भी छोड़ देंगे तो हमारा हो गया सवाल अब पिछले स्टेप से हम यहाँ पर सारी चीज़ें नोट कर ले रहे हैं फर्स्ट टर्म था वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इस कुछ भी नहीं करना है माइनस वन बाई सिक्स लॉग ऑफ हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन और फिर इसके बाद में लास्ट टर्म थर्ड वाला अपन अपान रूट थ्री जैसे यह भी बताया तो बचेगा वन बाई रूट थ्री और है टेन इन बस टेन इन बस न्यूमरेटर में हम एक्स अपान बन कर सकते हैं और ये वन बाई टू तो है एल ले सीम ले लेंगे हम इसको और रूट थ्री बाई टू है ये प्लस कॉन्सट ऑफ इंटीग्रेशन इसी टर्म को सॉल्व कर रहे हैं बाकी तो एज इट नोट कर रहे हैं और अगर उसे भी सॉल्व करना चाहें तो फिर न, किया जा सकता है थोड़ा बहुत लॉग लेकिन अभी फ़िलहाल हम फोकस यहाँ रखते हैं वन बाई सिक्स फिर उसके बाद आप चाहें वहीं पर छोड़ दीजिए इसे थोड़ा सॉल्व कर लें आप डायरेक्ट अगर आता है तो बस एलसीएम लेके देखना है कुछ नहीं ये टेन नहीं था सॉरी ये टेन है टेन इन बस है तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर में एलसीएम वन और टू का एल्सीम वन और टू का एलसीम टू ले रहे हैं तो टू का दर इंटू हो जाएगा यानी टू एक्स हो जाएगा वन का इंटू हो जाएगा वन आ जाएगा अपान में भी रूट थ्री बाई टू है तो अपान वाला जो रूट अपान वाला टू है तो टू से टू कैंसिल कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी वन अपान थ्री लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन बाई सिक्स लॉक ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन और प्लस वन अपान स्क्वायर रूट थ्री और ये हो जाएगा टेन इनवर्स न्यूमरेटर में टू एक्स माइनस वन है और डिनोमिनेटर में रूट थ्री है और प्लस कॉन्सटेंट ऑफ कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर सी और बाकी वैल्यू तो हमने ये लिख ही दी है तो इस यहाँ तक हो गया कंप्लीट हाँ आप छोड़ सकते हैं और कुछ अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो इसमें हम एल सी एम वन बाई सिक्स को बाहर ले लेंगे इन दोनों टर्म्स में से तो यहाँ तो है नहीं सिक्स थ्री तो निकल आएगा टू से इधर इन टू हो जाएगा टू टाइम्स लॉक एक्स प्लस वन हो जाएगा माइनस ये पूरा वन बाई सिक्स बाहर होने पर ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन और प्लस इसमें कुछ करना नहीं है वन अपान रूट थ्री टेन इन बस टू एक्स माइनस वन अपान रूट थ्री प्लस ऑफ इंटीग्रेशन अब ये टू जो इन टू में ऐसे पावर में भी ले जा सकते हैं तो वन बाई सिक्स बाहर है और इसे लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस लॉक ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन प्लस वन बाई रूट थ्री और ये टेन इन वर्स टू एक्स माइनस वन अपन रूट थ्री आंसर पहले ही आ चुका है जैसे हम बता चुके हैं आप जरूरी नहीं इस स्टेप को करें क्योंकि आपको कुछ प्रूव नहीं करना हाँ प्रूव करना हो तो फिर इतना करना और वो भी जो हमदार है उतना प्रूव करना तो इस तरीके से करना होगा अब नहीं यहाँ पर दो बार लाओगे बीच में माइनस है तो जो जो न्यूमरेटर में जो प्लस है उसे न्यूमरेटर में लिखें और जो माइनस है उसे डिनोमिनेटर में लिख दें और इसके बाद हम भी यहाँ पर कुछ हमें नहीं करना चाहिए हालांकि अगर प्रूव करने का कुछ होता है और उस तरीके से लाना होता तो फिर उसी तरीके से इसको मॉडिफ़ाई भी करते हैं लेकिन अब आगे कौन सी स्टेप ले जाएं हमें कोई ज़रूरत है नहीं इसकी तो इतना ही छोड़ दीजिए थैंक यू वेरी मच इन फॉर लिसनिंग मी वाबाना अलहमद ला रबालमिन